छतरपुर से वन विभाग की मनमानी का मामला सामने आया है। बता दें कि बड़ा मलेहरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत की। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने दलितों को पट्टे की जमीन दी थी, लेकिन उस पट्टे की जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया है। उन्हें इस जमीन पर न ही खेती करने दिया जा रहा है, न ही उन्हें मकानों में रहने दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि जिला प्रशासन वन विभाग द्वारा पट्टे की जमीन को लेकर वापस दिलवाए, जिस पर प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आए हम यहाँ जगह के लिए आए, अपना घर मकान चाहिए, अपनी जगह चाहिए। कहाँ से आई हैं? गोंचीपुरा से। क्या समस्या लेकर आए? जगह के लिए हमारी जगह छुड़ा रहे हैं। कौन छुड़ा रहे हैं आपकी? वन विभाग वाले। क्या चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं सर, हमारा विधवा है, हमारे बच्चे हैं चार चार, हम कहाँ जाएंगे लेके? आज कहाँ पर आएंगे? अदालत में, कलेक्ट्रेट में आए। कितनी जनसंख्या आपके गाँव में? हमारे गाँव में कितने लोग आए हैं आज? कितने लोग? ये सारे लोग खड़े हैं, ये सारे कितने लोग हैं? लगभग कितने लोग हैं अपन? 150। अंतर्गत ग्राम गोंचीपुरा के निवासियों द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन दिया गया है कि वन विभाग द्वारा उनके ग्राम को वन विभाग की भूमि है ऐसा कहकर उस पर और खेती की जमीन पर उनको खेती नहीं करने दी जा रही है। तत्संबंध में उनका कहना है कि हमको हमारा जो वास्तविक है भूमि किसकी है ये जांच करा के हमको न्याय दिला जाए। तहसीलदार बड़ा मलेहरा और अनुभागीय अधिकारी बड़ा मलेहरा को हम लोग ज्ञापन के प्रति प्रेषित करेंगे। अनुभागीय अधिकारी राजस्व वन व्यवस्थापन अधिकारी होते हैं, वो इस मामले का संयुक्त रूप से SDO फॉरेस्ट के साथ मिलकर निराकरण कराएंगे।